हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीयूवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्ट मेथड्स और अप्रॉक्स मेथड। ठीक है, मतलब जो हम एक्सट्रीमल निकालते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम के लिए, जो एक्सट्रीमल होगा यहाँ क्या होगा, अप्रॉक्स। हम मान के चलेंगे कि ये हमारा एक्सट्रीमल है, ठीक है, अप्रॉक्स एक्सट्रीमल। ठीक है, तो हम देखते हैं मेथड। वेरिएशनल मेथड फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और डायरेक्ट मेथड भी बोलते थे। ठीक है, पहला है इसमें मेथड्स हैं, पहले रेलेलीस मेथड। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में से दो से आता है, एक रेलेलीस मेथड से, एक आता है गैल्किन मेथड। ठीक है, गैल्किन मेथड। ठीक है, पहला है रेलेलीस मेथड। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिर्फ सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है, तो हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है रेलेलीस मेथड फॉर ऑर्डिनरी। ये दो इसके लिए होता है, रेलेलीस मेथड एक ऑर्डिनरी के लिए होता है, एक पार्शियल के लिए होता है। ठीक है, पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहला ऑर्डिनरी के लिए देख ले हम, कंसीडर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कौन सा है, वेरिएबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस वेरिएबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरिएबल होंगे, ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल भी आ सकते हैं। तो विथ बाउंड्री कंडीशन, हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई एक्स वन इक्वल टू वाई वन और वाई एक्स टू इक्वल टू वाई टू। ठीक है, यहाँ पर ये होमोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस है, मतलब हमारे पास जो भी कंडीशन दे रखी है वो इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ठीक है, नॉन होमोजीनियस के। ठीक है, अगर जीरो है तो होमोजीनियस कहलाएगा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ भी दी रह सकती है। ठीक है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस कुछ भी दिया रह सकता है। ठीक है, रेलेलीस मेथड में अब देखो, तो इन ऑर्डर टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वन बाय वेरिएशनल मेथड। अब हम वेरिएशनल मेथड या डायरेक्ट मेथड से इसको कैसे सॉल्व, पहले हमें क्या चाहिए, फंक्शनल चाहिए। ठीक है, वेरिएशनल प्रॉब्लम बोलने हैं तो हमें क्या चाहिए, पहले फंक्शनल चाहिए, आई चाहिए, मतलब उसके लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स वाई वाई डैश चाहिए। ठीक है, हम इसको निकालेंगे, इससे हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये है लॉन्ग मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड भी है, मतलब हम सीधा इसको किसमें चेंज कर दे, इन सबको किसमें चेंज कर दे कि हमारे पास सीधा एफ एक्स वाई मिल जाए। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट वाला देख लेंगे। ठीक है, पहले लॉन्ग कंसीडर अ फंक्शनल डायरेक्ट मेथड, तुम उसमें कॉलेज एग्जाम में कभी भी यूज मत करना। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लॉन्ग मेथड ही पूछते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड उसी में नंबर मिलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलेंगे कि कहीं से याद करके आ गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है इसको निकालने का, तो इसको कॉलेज एग्जाम में इससे करना, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको करना। ठीक है, उसको यूज करना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को, तो कंसिडर्ड अ फंक्शनल, हमें फंक्शनल बनाना है, आई वाई एक्स हो जाएगा इंटीग्रल एक्स वन से एक्स टू, जो हमारी बाउंड्री लिमिट है, क्या है, एक्स वन से एक्स टू है, यहाँ पर पी एक्स वाई डैश स्क्वायर, पी एक्स वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से देखना, पी एक्स है, पी एक्स वाई डैश स्क्वायर, वाई ये डबल डिफरेंशिएशन का सिंगल में बन गया। ठीक है, वाई डैश स्क्वायर, फिर क्यू एक्स का क्यू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, क्यू एक्स इंटू वाई स्क्वायर और आर एक्स इंटू वाई और ये डी एक्स, इससे इक्वेशन टू ले लिया हमने। ठीक है, वेयर हमें पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, ई की पावर, ई की पावर है, ई की पावर इंटीग्रल बी बाई ए, बी बी बाई ए बोल सकते हैं, या अगर यहाँ पे ए भी कर दो, यहाँ पे ए कर दो इसको, इसको यहाँ पे बी एक्स कर दो और यहाँ पे इसे सी एक्स कर दो। ठीक है, ठीक है, ए नॉट की जगह पे ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, फिर ये फंक्शन ले लो, तो ई की पावर बी बाई ए डी एक्स हो गया। ठीक है, मतलब बी बी बाई ए डी एक्स, ई की पावर बी बाई ए डी एक्स, ये हमारा पी एक्स हो गया। क्यू एक्स है, क्यू एक्स हो गया माइनस सी बाई ए पी एक्स। ठीक है, क्यू एक्स हो गया माइनस सी बाई ए इंटू पी एक्स, ये पी एक्स इंटू करना है, और आर एक्स हो गया टू, यहाँ पे टू एफ एक्स जो भी है नॉन होमोजीनियस में जो फंक्शन दे रखा है, आर एक्स हो गया टू एफ एक्स बाई ए टू, इसके साथ इंटू करना है एफ एक्स बाई ए पी एक्स।
ठीक है, ए क्या आएगा, अपॉन में आएगा, ठीक है, यहाँ किसी के भी अपॉन में है, यहाँ पर भी अपॉन में, डी वाई ए डी एक्स है, ए माइनस सी वाई ए पी एक्स है, यहाँ पर टू एफ एक्स बाई ए पी एक्स है, ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये हमारा पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स की वैल्यू है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर से क्या निकल गया, एफ एक्स वाई निकल गया। अब देखो सेकेंड स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में यह है, सेकेंड स्टेप अप्रोक्सीमेट वाई यूजिंग फाइंड, यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट एज्यूम लिख सकते हैं, एज्यूम अप्रोक्सीमेट वाई, अप्रोक्स वाई हमने एज्यूम करना है, यूजिंग हम यूजिंग कैसे निकालेंगे, अप्रोक्स वाई यूजिंग वाई एक्स इक्वल टू वाई नॉट एक्स, ठीक है, इसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट इंटू नहीं है, वाई नॉट एक्स क्या है, अलग से है, प्लस सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन सी आई वाई आई एक्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकते आई आई इक्वल टू वन टू एन सी आई वाई आई एक्स, इसे इक्वेशन थ्री ले लिया, ठीक है, इसे इक्वेशन थ्री ले लिया, वाई नॉट एक्स पहला क्या, वाई नॉट एक्स प्लस सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन सी आई वाई आई एक्स, ये क्या हो गया हमारे पास, वाई एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी ये क्या है और इसकी वैल्यू क्या होंगी, वेयर वाई नॉट एक्स इज सिंपलेस्ट फंक्शन, ये क्या है, सिंपल फंक्शन है विच सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, हमारे पास जो y नॉट x है, ठीक है, जैसे हमें बाउंड्री कंडीशन देखी है ये उसको वैसे ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मतलब हमें बाउंड्री कंडीशन हमें देखे, माना y जीरो इक्वल टू जीरो और y वन इक्वल टू वन दे दिया, ठीक है, तो हमें y नॉट x ऐसा लेना पड़ेगा कि ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, या तो हम y x कैसे लिख सकते हैं, y x इक्वल टू x लिख सकते हैं y नॉट x को, और y नॉट x को हम x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा लेना है कि ये हमारे पास क्या होगा, y नॉट x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू y y x1 इक्वल टू y1 आ जाए, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, y नॉट x को हम ऐसा लेंगे, सिंपलेस्ट फंक्शन है, सिंपल फंक्शन लेना, ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत लेना ज्यादा, सबसे पहला वाला ये ले लेना, y नॉट x इक्वल टू x, सबसे सिंपल, ठीक है, कैलकुलेशन करने में भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, ये y नॉट x ऐसा फंक्शन है जो हमें पास बाउंड्री कंडीशन जैसी दे रखी है, अगर होमोजीनियस दे रखी है तो होमोजीनियस की तरह सेटिस्फाई कर लेगा, नॉन होमोजीनियस दे रखी है तो नॉन होमोजीनियस, ठीक है, तो हमें y नॉट ऐसे लेना है कि हमें पास जैसी बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसको वैसे सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, एंड अदर फंक्शन जो ये वाले फंक्शन है वाई आई एक्स, मतलब वाई वन एक्स वाई टू एक्स वाई वन वाई एन एक्स आर एलाई फंक्शन सेटिस्फाइंग होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, अब क्या करना है, मतलब ये होमोजीनियस y x1 हमारे पास क्या होनी चाहिए, y i x1 और x2 की वैल्यू रखने पर ये क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है, इनकी वैल्यू ऐसे आनी चाहिए, y i x1 और y i x2 रखे तो ये क्या आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है, हमें ये फंक्शन ऐसे लेना है, ठीक है, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन आनी चाहिए इनके लिए, ठीक है, इसके लिए तो जैसी बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वैसी आनी चाहिए, और इन सबके लिए हम क्या करेंगे, जो बाउंड्री कंडीशन है वाई आई एक्स वन इक्वल टू वाई आई एक्स एक्स टू इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, होमोजीनियस आनी चाहिए, ठीक है, आई क्या है, आई इक्वल टू वन टू एन, दैट इज आई वन वाई वन एक्स वन वाई वन एक्स टू इक्वल टू जीरो, वाई टू एक्स वन वाई टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, अप टू वाई एन एक्स वन इक्वल टू वाई एन एक्स टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये फंक्शन हमें ऐसे लेने, अब क्या करना है, देखो पुट वैल्यू ऑफ थ्री, इसकी वैल्यू थ्री की वैल्यू कहां रख देनी है, यहां टू में रख देनी है, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ थ्री इन टू, थ्री की वैल्यू किस में रख देनी है, टू में रख देनी है, वी गेट हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट आई इक्वल टू हमें किसका फंक्शन, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी और एक्स का फंक्शन आएगा, जो हमारे पास सी आई है और एक्स का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, वाई आई एक्स क्या है, ये भी क्या है, एक्स का ही तो फंक्शन है, वाई नॉट एक्स क्या है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, एक्स और सी आई जो कॉन्स्टेंट है उनके फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है, अब देखो फिर जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो तो सारी हट जाएंगे, उनके पास क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, x सारा हट जाएगा, सिर्फ क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट ही आएंगे, कॉन्स्टेंट ही आएंगे, सी आई कॉन्स्टेंट आएंगे, और क्या आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, ठीक है, माना टू बाई थ्री सी वन आ गया प्लस सी टू आ गया प्लस माइनस वन बाई टू सी थ्री आ गया, ऐसे कुछ आ गया, ठीक है, ये आ गए टू बाई थ्री सी वन प्लस सी टू माइनस वन बाई टू सी थ्री आ गए, ठीक है, माना ये तीन कॉन्स्टेंट आ गए हमारे पास इस फॉर्म में आ गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ आई किसका फंक्शन बन जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के बाद
I इक्वल टू सी वन सी टू अप टू सी एन, सी एन ही है ना, ठीक है, सी एन तक है, तो इसका ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, बस I इसका फंक्शन बन जाएगा। अब स्टेप थ्री देखो, देखो स्टेप थ्री है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल इज, ठीक है, हमने I निकाल दिया था, I क्या निकला था हमारा, I इक्वल टू आई सी वन सी टू सी थ्री अप टू सी एन निकला था, ठीक है, तो हम नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या करते थे, डेल आई बटे डेल सिग्मा, जैसे हम निकालते थे, हमने निकालते डेल आई बटे डेल सिग्मा इक्वल टू जीरो फॉर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, जो हम प्रूव कर रहे थे यूलर्स इक्वेशन का, सेम यहाँ पर भी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो डेल आई बटे डेल सी आई इक्वल टू जीरो, आई क्या है, आई इक्वल टू वन टू एन है, ठीक है, डेट इज डेल आई बटे डेल सी वन इक्वल टू डेल आई बटे डेल सी टू इक्वल टू डेल आई बटे डेल सी एन इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे अलग अलग कॉन्स्टेंट के, तो क्या करना है, इक्वल टू जीरो के आएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो करना है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, अलग अलग वैल्यू आएगी फ्रॉम दिस, फ्रॉम इन सबसे हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम दिस वी गेट, हमें क्या मिलेगा, सी वन सी टू द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यूज ऑफ सी वन सी टू अप टू सी एन, इन सबकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इन सबकी वैल्यू मिल जाएगी इन सबसे, ठीक है, तो स्टेप फोर में क्या करना है, पुट दीज वैल्यूज, पुट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर पुट वैल्यूज ऑफ सी आई इन इस इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन थ्री ली थी अप्रोक्स जो हमने वाई एक्स लिया था उसमें हमने सी आई की वैल्यू रख देनी है, वाई एक्स इक्वल टू वाई नॉट एक्स, इसमें हमने क्या रखना है, सी आई की वैल्यू रख देनी है, ठीक है, जितने भी सी आई निकले आई इक्वल टू वन टू एन है, ठीक है, सी वन सी टू अप टू सी एन की इनमें वैल्यू रख देनी है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका हमें वाई एक्स जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है, इसको हम वाई अप्रोक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आता है कंपेयर करो कि ये दोनों इक्वल हैं या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है और इससे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है अलग अलग, तो बताने की ये दोनों इक्वल है या ग्रेटर है कि कौन किससे ग्रेटर है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अब देखो अगर हमें पता है सिलेक्शन ऑफ, हम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मे बी डन फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, हम हमें अगर हमें वाई एक्स हमें ऐसे दिखा है, ठीक है, हमारा वाई एक्स ऐसे निकल गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, वाई एक्स हमारा ऐसे निकल गया, वाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सी एन एक्स की पावर एन, ठीक है, हमने वाई एक्स ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है, मतलब हमें अगर हमें कंडीशन दे दी वाई जीरो इक्वल टू जीरो और वाई वन इक्वल टू वन दे दिया, ठीक है, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वाई एक्स को जीरो रखा, ये जीरो आ रहा है, वाई एक्स जीरो और वाई वन, वाई वन वन रखा तब भी क्या आ रहा है, अगर ये वाई वन, वाई वन पे जीरो पे ये भी जीरो आ रहा है, ठीक है, तो हम देखो वाई एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर हमने हमें पास ये बोल रखा है, ठीक है, हमारे पास वाई एक्स ये निकल गया, ठीक है, हमने वाई एक्स ये निकाल दिया, ठीक है, अप्रोक्स वाई एक्स कॉन्स्टेंट के साथ ये है, अब हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, ये एसएमबी जीयू में इस साल के 2022 ठीक है 22 के पेपर में ये आया था कि टू टर्म अप्रोक्सीमेशन ये सॉल्यूशन होनी चाहिए, हमारे पास टू टर्म अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, टू टर्म मतलब दो कॉन्स्टेंट लेने, ठीक है, तो देखो फॉर वन टर्म अप्रोक्सीमेशन तुम्हारे पास वाई एक्स आएगा फॉर वन टर्म, ठीक है, एक टर्म मतलब हमारे पास सिर्फ कॉन्स्टेंट सिर्फ एक टर्म वाली आनी चाहिए, ठीक है, तो वाई एक्स यहाँ पर क्या कहना है, ये सारे जीरो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट लेना है सी वन, तो आएगा सी वन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर वन टर्म अप्रोक्सीमेशन, फॉर टू टर्म अप्रोक्सीमेशन वाई एक्स आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स, सिर्फ इतना आएगा, ठीक है, बाकी क्या जाएंगे, जीरो जाएंगे, दो कॉन्स्टेंट आएंगे सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या विच गिव्स द बेटर अप्रोक्सीमेशन, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सेम ऐसे दे सकते हैं हमें, ठीक है, हमें कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू जीरो और वाई वन इक्वल टू जीरो दे दी, ठीक है, तो हम इसको वाई एक्स को ये ले सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि वन अप्रोक्सीमेशन लगाओ या टू टर्म अप्रोक्सीमेशन लगाओ, तो हम इस दोनों में से एक ले लेंगे, ठीक है, जो जो बोला होगा वो कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रख लेना। ठीक है, यहां से हमने ये आई की वैल्यू निकाली और सी वन की वैल्यू इसमें रख दी। थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा ना, सी वन इतनी सारी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाई एक्स हो गया और यहाँ पर से वन टर्म बोला तो सी वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, और वाई अगर दो टर्म बोला तो सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तो ये तो पूरा लॉन्ग मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड देखो, जो हमारे पास आई निकालना है, ठीक है, जो हमारे पास एफ निकालना है, एफ निकालने में हमें क्या, वो पी एक्स क्यू एक्स, हमें पी एक्स के साथ क्या उनटू होना है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख ले, एफ कैसे निकालना है, मेन है एफ निकालना। ठीक है, एफ अगर एफ सही होगा तभी तो हमारा आई भी तो सही निकलेगा। ठीक है, हम वाई एक्स तो देख कॉन्स्टेंट देख के हम लिख सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से अप्रोक्स बना सकते हैं। ठीक है, मेन जो है फंक्शनल, जो हमारे पास फंक्शन आएगा एफ, जो हम फंक्शन लेंगे वो सही आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, देखते हैं इसके लिए। देखो डायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे हम फॉर एक्स वाई वाई डैश के लिए। हम क्या करेंगे, जो वाई डबल डैश हमारा वाई डबल डैश है उसको किसमें चेंज कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वहां पर वाई डबल डैश कहां पर, माइनस वाई स्क्वायर, और वाई डैश जो होगा यहाँ पर क्या होगा, ये कहां पर जाएगा, ये जीरो पर जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा वाई डबल डैश जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, वाई डैश जाएगा हमारा जीरो, और y जाएगा हमारा वाई स्क्वायर पे। ठीक है, सारे स्क्वायर पे जाएगा, ये जाएगा एक कम जाएगा, इसका एक डेरिवेटिव कम जाएगा, वाई डैश स्क्वायर है यहाँ पे, वाई डबल डैश जाएगा माइनस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश जाएगा जीरो पे, y जाएगा इसके वाई स्क्वायर पे। ठीक है, और ये एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स आया कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एफ एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकता है, एक्स एक्स स्क्वायर कुछ भी, और यह कॉन्स्टेंट हुआ कुछ। ठीक है, तो हम इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई विथ 2y। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2y से, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 2y fx आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2y into constant। ठीक है, 2y से मल्टीप्लाई करना मतलब 2y into fx और 2y into constant, दोनों में से अगर fx आया तो fx और constant आया तो constant। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2y से। ठीक है, नाउ हम क्या लेंगे, अप्रोक्स x लेंगे। ठीक है, जो एक्सट्रीमल हमने फंक्शन लेना है, इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, अप्रोक्स वाई एक्स हो जाएगा हमारा सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, देन पुट बाउंड्री कंडीशन। फिर अगर हमने एफ एक्स ये लिया, हमने अप्रोक्स ये लिया, तो हम इसमें बाउंड्री कंडीशन रख देंगे, देन पुट बाउंड्री कंडीशन इन दिस हमने इसमें जो वाई एक्स लिया इसमें बाउंड्री कंडीशन रख दी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी नॉट C1 एंड C2। यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन हमने वन लिखी, इसको टू ले लो। ठीक है, इन टू रख दो, इन टू, देन फाइंड हमें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ C1 C2, देन वी गेट वैल्यूज ऑफ C0 C1 एंड C2। इनमें से हम या तो एक क्या निकल जाएगा, एक कांस्टेंट निकल जाएगा, एक इसमें जो बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी उसमें चेंज जाएगा, और बाकी C1 C2 किसमें चेंज जाएंगे, C1 एक उसमें C1 या C2 में चेंज जाएगा, C2 या C1 में चेंज जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट आ जाएगा, वाई एक्स क्या आएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी फंक्शन x का फंक्शन आएगा। ठीक है, वाई एक्स सिर्फ एक कांस्टेंट में चेंज जाएगा। ठीक है, इफ बाउंड्री कंडीशन आर इन दिस फॉलोइंग, या तो हम अप्रोक्स x ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या इफ बाउंड्री कंडीशन आर इन दीज फॉलोइंग्स, अगर हमें बाउंड्री कंडीशन ये दी है तो हमारे पास वाई एक्स विल बी, तो हमारे पास वाई एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखने से बाउंड्री कंडीशन हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लेट द अप्रोक्स सॉल्यूशन इज वाई एक्स ये लिख दिया। ठीक है, जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, तो देखो बाउंड्री कंडीशन अगर हमें ये दी है, ये किसके लिए है, वन अप्रोक्स के लिए, वन टर्म अप्रोक्स, जब हम वन टर्म अप्रोक्स लेंगे यहां पे टू टर्म अप्रोक्स लेंगे जब। ठीक है, यहां पे वन टर्म के लिए लिखा है वाई नॉट, अगर हमारा वाई जीरो, हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है एट जीरो, वाई भी जीरो एट वन, ये जीरो है, तो हम वाई एक्स लेंगे
वन टर्मिक ले, ठीक है, मतलब एक कॉन्स्टेंट ले रहे हैं हम, ठीक है, तो वाई एक्स होगा हमारा सी एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, तो हम लेंगे, अगर हमारे पास एक्स पे जीरो वन पे भी जीरो आ रहा है, तो हम लेंगे सी एक्स, ये क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू हमें एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, तो हम लेंगे सी एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, मतलब ऐसे ले लो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन, तो मतलब एक्स माइनस जीरो और एक्स माइनस वन, इसके साथ एक कॉन्स्टेंट इंटू कर लो, ठीक है, तो देखो, और फिर ये हमारा वन टर्म है अप्रोक्स, अगर टू टर्म के लिए लिखे तो हमारे पास देखो कॉन्स्टेंट दो आनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमने लिखा था वाई इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सी वन एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी एन एक्स की पावर एन, ये था, तो एक टर्म दो टर्म के लिए आया, टू टर्म अप्रोक्स आना है आना चाहिए, तो टू टर्म होंगे यहाँ पर सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, ये तो बाउंड्री कंडीशन रख दी हमने यहाँ पे, और टू टर्म निकले, टू टर्म सी वन प्लस सी टू एक्स, ये वाला, ठीक है, अब देखो वाई वन, अगर हमें वाई वन इक्वल टू जीरो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब जब एक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन दे रखे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स यहाँ पर क्या आएगा देखो, तो एक्स आएगा एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट के साथ इंटू करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, कॉन्स्टेंट के साथ इंटू करेंगे आप, ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा एक एक टर्म निकले सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पर टू टर्म निकले वाई एक्स आएगा हमारा वाई एक्स इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है, ठीक है, अब देखो अब है वाई, अगर हम तीसरा है वाई जीरो इक्वल टू जीरो और वाई वन इक्वल टू वन, ठीक है, वाई जीरो इक्वल टू जीरो वाई वन इक्वल टू वन है, तो हमारे पास देखो एक तो आएगा एक्स एक्स यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, तो जब वन रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा वन आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस इसको ध्यान में रखना, जब हम वाई जीरो है और वाई वन पे वन है, ठीक है, वाई वन पे क्या है वन आ रहा है, ठीक है, वाई एक्स क्या है वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन है वाई एक्स इक्वल टू वन वाई जीरो है वाई वन तो ऐसे रहा और ये क्या है यहाँ पर y की वैल्यू क्या है वन है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर एक क्या है y इक्वल टू वन भी है, ठीक है, तो y x क्या हो जाएगा यहाँ पर x ले लिया, ठीक है, x प्लस तब आएगा और बाकी जो x की कंडीशन है ये c इंटू c के साथ c इंटू एक्स माइनस वन आ गया, ठीक है, जो और जो x की वैल्यू है x जीरो और x वन तो ये रही, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो वाई एक्स, तो हमारे पास वाई एक्स आएगा वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, और हमारे पास दो उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर ये सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट इंटू नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट इंटू नहीं है, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस यहाँ पर आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स टू टर्म के लिए इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, जहां पर कॉन्स्टेंट है वहीं पर ये चेंज होंगे, यहीं पर क्या आएंगे दो कॉन्स्टेंट आएंगे, ठीक है, टू टर्म अप्रोक्सिमेशन के दो कॉन्स्टेंट यहाँ पर आएंगे जो यहाँ पर ले रखा हमने, ठीक है, ये हो गया एक्स प्लस सी एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, तो वाई एक्स यहाँ पे टू टर्म के लिए एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू एक्स एक्स माइनस वन, अगर थ्री होता तो सी थ्री सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सी एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है, और बाकी जो एक्स के वैल्यू है कॉन्स्टेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है, और जो बाकी वेरिएबल क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन सेम रहेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट के लिए, ठीक है, ये जो हमें बाउंड्री वैल्यू दे रखी है एक्स और एक्स 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 वन और एक्स टू वो आ गए, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, ये ऐसे रखना है, ठीक है, अगर बाउंड्री कंडीशन ये दे रखी है तो वन टर्म के लिए हमें ये रखना है, टू टर्म के लिए हमें ये रखना है, ये किसके लिए इसे वन टर्म के लिए, ये वन टर्म के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अगर तुम वैल्यू रखोगे तो सिर्फ एक ही टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, अगर टू टर्म लेना तो उसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वन टर्म निकाल ली, ठीक है, यहाँ से देखो वन टर्म निकाल लो तो यहाँ पर क्या करना है तुम्हें फिर कांस्टेंट अलग अलग कर देना, फिर कांस्टेंट एक कांस्टेंट और लगा देना है, ठीक है, समझ में आएगी हम क्या हल ले, पहले इसको लिख लो ये वन टर्म में आ जाएगा, फिर अगर टू टर्म वाला बोल रहा है
तो टू टर्म निकले रफ वर्क, ठीक है, इसे रफ वर्क कर लेना, टू टर्म निकले वाई एक्स लिख लेना, ठीक है, वाई एक्स जाएगा टू टर्म निकले, ये जो हमारा बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेना, ठीक है, समझ में आया। और बाकी देखो ये तो हमारा एफ एक्स वाई है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए ये स्टेप क्या था, स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट था यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये स्टेप सेकंड हो गया, ठीक है, ये क्या है, स्टेप सेकंड हो गया, ये पूरा क्या है, स्टेप वाई एक्स अप्रोक्स है, स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड और फोर्थ के होंगे सेम होंगे, ठीक है, स्टेप थ्री और फोर के होंगे सेम, जैसे फिर क्या निकालेंगे, ये वैल्यू क्या रख देंगे हम, इन सब की वैल्यू यहाँ रख देंगे आई में, जो हमारा ये एफ निकलेगा, जो हमारा आई निकलेगा, आई इज इक्वल टू एक्स वन से एक्स टू एफ एक्स वाई वाई डेट, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे, जो भी हमारा एक्स निकलेगा इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, फिर क्या करेंगे हम, फिर डेल आई बट्टे डेल सी आई इक्वल टू जीरो कर देंगे, फिर यहां से सी वन जो भी वैल्यू निकलेगी उनको यहां पुट कर देंगे वाई एक्स में, ठीक है, जो ये वाई एक्स होगा इनमें पुट कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। बाकी देखो स्टेप फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, और सिंपल हो गए ना, पहले क्या था उसमें हमें मानना पड़ रहा था कि वो इसको बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई, एक्स नॉट इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए और बाकी फंक्शन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ से क्या, ये स्टेप क्या होगा, सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मतलब जो एफ एक्स लेंगे, कहने का मतलब है जो एफ एक्स आएगा कॉन्स्टेंट तो सेम रहेंगे, सिर्फ ये जो हमारे पास ये दे रखे हैं, ठीक है, जो डेरिवेटिव दे रखे हैं ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, y डबल डैश होगा माइनस y डैश स्क्वायर, y डैश जीरो जाएगा, y होगा y y स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है, एंड जो एफ एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई किससे करना है, टू वाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है, इससे जल्दी सिंपल हो जाएगा तो हम इससे करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है y डबल डैश इक्वल टू वन, और कंडीशन दे रखी हमें y जीरो इक्वल टू जीरो और y वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे y डबल डैश, हमने इसको इक्वेशन वन को हमने इसको ऐसे ले लिया y डबल डैश माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे इक्वेशन वन ले ली, इसको चेंज करना है, ठीक है, चेंज, ठीक है, चेंज करेंगे हम इसको, y डबल डैश को किस में चेंज करना, माइनस वाई डैश स्क्वायर करना था और बाकी तो है नहीं, ठीक है, और एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है वन, तो वन किस में होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई टू वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू वाई हो जाएगा, तो वन बिकम्स, तो वन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमने चेंज करा तो हमारा वन किस में चेंज हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें चेंज हो गई, ठीक है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ गया, तो यही हमारा क्या है एफ एक्स था, ठीक है, अगर एफ एक्स वाई में हमने वाई वाई डैश में हमने सीधा ये वैल्यू रख दी, ठीक है, माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, ठीक है, तो माइनस हम यहां से अगर कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले तो हमने क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है, तो हम यहां से इसलिए इसको चेंज करा, ठीक है, तो यहां से इक्वल टू जीरो करके जो हमारा ये वाली वैल्यू आएगी, मतलब माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ये वाली, तो हमने इसको क्या लेना है, उसको हमने एफ एक्स एक्स वाई वाई डैश लेना है, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू वाई डैश स्क्वायर प्लस टू वाई, देखो हम इसको अगर हम फॉर्मूला रखें पी एक्स क्या हो जाएगा बी वाई ए, बी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर ए हमने क्या लिया, ए हमारे पास क्या है वन, बी जीरो है और सी भी जीरो है और एफ एक्स क्या हमारे पास वन है, ठीक है, अब देखो तो पी एक्स आएगा हमारे पास, पी एक्स आया, पी एक्स क्या था e की पावर जीरो बाई ए बी बाई ए डी एक्स था, ये क्या है जीरो e की पावर जीरो जाएगा, तो ये जाएगा वन, क्यू एक्स था माइनस सी बाई ए पी एक्स, सी क्या है जीरो, तो ये वाली जीरो और आर एक्स था माइनस टू एफ एक्स बाई ए पी एक्स, ठीक है, ये था ना माइनस, तो ये माइनस टू इंटू वन बाई ए क्या हमारे पास वन और पी एक्स क्या है वन, तो माइनस टू आ गया, ठीक है, माइनस टू आया तो और आई क्या निकाल लेते हम, एफ निकाल लेते, ठीक है, एफ एक्स वाई वाई डैश क्या निकाल लेते हम, पी एक्स इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस क्यू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई, ठीक है, आर एक्स वाई, ठीक है, तो हमारे पास देखो यही आ रहा है पी एक्स क्या हमारे पास, पी एक्स आया हमारे पास पी एक्स वन वाई डैश स्क्वायर, ये जीरो माइनस टू वाई,
2fx by a plus 2y, ठीक है। तो ये है हमारे पास, क्या f, ये ही आया ना, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर ये f, ये सेम ये आया dx, let assume, अब क्या करना हमें, नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप क्या था, स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड, let assume yx, हमने assume करा, देखो कंडीशन के देखे y0 equal to 0, y1 equal to 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा कि एक टर्म निकालो, दो टर्म निकालो, तो हम एक ही टर्म वाला देखे, ठीक है। अगर दे ही नहीं रखा, स्पेशली अगर दे ही नहीं रखा, ठीक है, टू टर्म अप्रोक्सीमेशन करो तो करना नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, दो कॉन्स्टेंट हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा लेंथी चल जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे दे नहीं रखा कुछ नहीं, तो सीधा क्या करना, सिर्फ एक ही वाला करना। अगर स्पेशली दिया है तो हमें एक दो कॉन्स्टेंट लेने, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या लेंगे, वाई एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, ये इक्वेशन थ्री होगी, ठीक है। तो हमने वाई डैश निकाला यहाँ से, सी हो जाएगा टू एक्स माइनस वन, तो आई निकाला, तो आई में इन सबकी वैल्यू रख दी, पुट इनकी वैल्यू रखे हमने आई, तो आई क्या हो जाएगा, जीरो टू वन वाई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब देखो, तो और सी स्क्वायर यहां से, सी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको ऐसे ले लें, एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस बी डी एक्स, ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्या होगा, पहले तो ये मतलब ये इस फॉर्म में हो जाएगा, अगर हम यहाँ से अगर इसको चेंज कर दे, एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, क्या ले लिया हमने, टी ले लिया, ठीक है, टी ले लिया, तो हमारा ए डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर डी टी बाई ए, ठीक है, बाई ए हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या निकल जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री थ्री ए, ठीक है। तो सेम यहाँ पे, तो हम यहाँ तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये एक्स का हो जाएगा, ठीक है, एक्स ए एक्स प्लस माइनस बी क्यू बाई थ्री अपॉन डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा, फिर क्या होगा, इसका नीचे डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, अंदर इसका क्या होगा, नीचे ये इंटीग्रेशन होगा, फिर इस वाले का क्या होगा, नीचे डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन डी बटे डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस बी क्या होता है, इंटू ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, थ्री ए, तो यही आया ना, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे टी की वैल्यू, ए एक्स माइनस बी का क्यूब अपॉन थ्री ए, सेम, तो यहाँ पर भी सेम करना है, ठीक है। तो ये आएगा टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब बाई थ्री इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा टू, कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है, प्लस टू सी, ये हो जाएगा, देखो इसको अंदर इंटू कर दिया, वाई एक्स क्या था, एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो एक्स का इंटू कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट लग जाएगी जीरो टू वन, ठीक है। और तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सी स्क्वायर बाय सिक्स ले लिया, ठीक है, अपर लोअर लिमिट दोनों रख देंगे, यहाँ पर वन रखा, पहले वन रखा, तो हो जाएगा टू इंटू वन माइनस वन, क्या हो जाएगा, वन का क्यूब, फिर यहाँ पर जीरो रख दिया, अगर यहाँ पर जीरो रख दिया क्या आएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, माइनस लोअर लिमिट रखी, एक्स की जगह पे जीरो रखा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये इसका साथ रहा। अब टू सी हो गया, टू सी अपर लिमिट रखी, वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू, ठीक है, वन रखा वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या जाएगा, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन वन ये भी माइनस क्यूब आएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, ठीक है, जाएगा प्लस वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, और टू डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू टू बाई सिक्स, ठीक है, वन बाई ये क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बाई थ्री हो गया, और यहाँ पे टू सी, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, टू माइनस थ्री बाई सिक्स, ठीक है, तो माइनस वन बाई सिक्स, और टू इसके साथ इंटू है, टू सी इंटू है, तो क्या हो जाएगा, थ्री, तो माइनस सी बाई थ्री हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व करके, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है, सीधे सीधे तुम लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, यह हो जाएगा सी स्क्वायर बाई थ्री माइनस सी बाई थ्री। फॉर नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, डी आई बटे डी सी इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है सी के रिस्पेक्ट में, तो और इक्वल टू जीरो रख देना है, ठीक है, तो जाएगा टू सी, यहाँ पर क्या जाएगा, पार्शियली ये किसका हो जाएगा, टू सी बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई टू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ थ्री इन, जो सी की वैल्यू थी ये वाई एक्स जो हमने एज्यूम करा था इसमें रख दी, ठीक है,
yx equal to 1 by 2 x square minus x. This is required solution of differential equation 1. ठीक है, जी 1 है equation, इसका required क्या है, solution है. ठीक है, yx क्या है, half x square minus x आया. ठीक है, solution है, required solution of 1, जो differential equation है इसका solution. ठीक है, mainly इसका use वहां करने जिसे हमें पास yx दे रहे हैं, x y double dash minus y plus equal to x दे दिया. ठीक है, इसका हमें तो इसका नहीं, ये वेरिएबल है प्रॉपर. वेरिएबल में क्या होता था, जितना इसका डेरिवेटिव था उतना x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता था, उतना ही x की पावर मल्टीप्लाई होती. तो हमारे पास क्या मिलेगा, वेरिएबल, वेरिएबल उसके लिए हमें सॉल्यूशन पता है, वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें इसके लिए सॉल्यूशन पता है, y डबल डैश माइनस y इक्वल टू x, इसके लिए तो सॉल्यूशन हमें पता है. ठीक है, लेकिन ऐसे इसके लिए थोड़ा ना पता है. अगर हमारे पास x, इसके लिए ऐसे दे दिया y डबल डैश माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 दे दिया. ठीक है, इसके लिए भी हमें पता नहीं है, तो हम इसको इससे हम आराम से निकाल सकते हैं ना, इसको हम रेलेलीज मेथड से आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से इसे इस ऐसे सॉल्यूशन का, हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये इसका यूज होता है. ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम है, जो मेनली हमें इसका एग्जैक्ट हमें प्रॉपर फॉर्मूला मेथड ना पता हो, तो हम रेलेलीज मेथड, जो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इससे हम इसको निकाल सकते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है, समझ में आया. हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी आसान एट में आए हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इस पर जो अगर इसमें अभी लैम्डा की वैल्यू निकालने को आई, ठीक है, अगर हमें ये देखो, अगर हमें एफ वाई एक्स दिया है और हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो हमें जो एफ है उसको क्या कर देना है, जो एफ है सिर्फ उसी को क्या कर देना है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर, उसको क्या करना है, हमें वो निकालना है. हमें ये जो एफ एक्स दे रखा है, जो हमें एफ एक्स है उसको क्या कर देना है, हमें यूलर्स इक्वेशन लगा देनी है. ठीक है, इस पर हमारा जो एफ एक्स है यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. देखो, हमें ये दे दिया और बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो. जो एफ निकला हमारा, एफ हमारा वाई डैश स्क्वायर प्लस टू वाई, ठीक है, डेल एफ बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो हो गया. ठीक है, वाई डैश क्या हो जाएगा, टू माइनस डी बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, टू वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सॉल्व करेंगे, टू माइनस टू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश इक्वल टू 1. देखो यही आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आई. ठीक है, अगर हमें ये आई दे रखा है और बोला डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, ठीक है, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे. ठीक है, यूलर्स इक्वेशन लगा दिया तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से आ जाएगी. ठीक है, समझ में आया. थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना. देखो, हम जो हमारे पास स्पेशल केसेस दिए रहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, उसके लिए मेथड दिए रहते हैं. ठीक है, वो तो हमें मेथड दिए रहते हैं. ठीक है, अगर जैसे ऐसे केसेस आ गए, जैसे y डबल डैश अगर वेरिएबल वन वन हो या किसी y के साथ हो वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो हम उसके लिए कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, तो हम इससे रेलेलीज मेथड, जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड आएंगे, उससे हम उसको आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, और कहाँ पर कोई क्वेरीज हो, कहीं पर समझने आए हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.